माँ मुझे डोनट चाहिए, मुझे मिलेगा ना? कम ऑन, तुम्हें पता है ये बेचने के लिए है। ठीक है एक ले लो। सीरियसली क्या बकवास है? I'm sorry, ठीक है? पीछे हटो, इन जूतों की कीमत तुम्हारी जान से ज्यादा है, तुम दोनों की जिंदगी से भी ज्यादा। ओ तो तुम अमीर हो, डोनट खरीदना चाहोगे? बिल्कुल, एकदम तरोताजा है, मैंने खुद बनाया है। इस बकवास को मुझसे दूर करो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जरा देखो तो इन भिखारियों को। चलो चलते हैं। ये क्या, अब हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है, हम कंगाल हो गए। इन्हें स्कूल नहीं लाना चाहिए था। चाचा के उन बच्चों को पकड़। हाँ चल, दोनों को पकड़ते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। अच्छा, अगर दोनों को पकड़ लेंगे तो हमें पैसा कौन देगा? हम कोई नहीं। बिल्कुल, एक काम कर, जाके छोटी वाली को पकड़, फिर उसकी माँ से पैसा लेंगे। हेलो सब लोग। होए तुम तो कमाल हो, हमेशा खूबसूरत। पता है, शुक्रिया शुक्रिया। नया वाला फर कोट? हाँ, लेटेस्ट कलेक्शन है, अच्छा लगा? बहुत सुंदर। ओके, काफी हुआ, बस बस। चलो टीना, डरना छोड़ो, अपने अंदर हिम्मत लाओ। हाय। वेल हाय, तुम कैसी हो? अच्छी थी तुम्हारे आने से पहले। वो मैं बस तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहती थी। लो। ये सिर्फ एक डोनट है। बकवास सा डोनट है, हटाओ इसे यहाँ से। अब बताओ ये घटिया चीज तो मुझे क्यों खिला रही थी? हाँ मैं तो बस दोस्त बनना चाहती थी। क्या? तुम्हारी जैसी लड़की से कभी दोस्ती नहीं करूँगी, समझी? समझ गई। तुम्हारे इस फर वाले कोट से मेरी नजर ही नहीं हट रही, इसे छू लूं? बिल्कुल। वाओ। बस करो, ये कोट तो पुराना हो गया है। ये क्या, ये पुराना नहीं, ये तो नया कलेक्शन है। तो क्या, 15 मिनट पहले ही इनकी वेबसाइट में एक नया कोट आ चुका है, तो ये कोट तो बिल्कुल कचरा हो चुका है। तो एक काम करती हूँ, इसे मैं ले लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, भिखारिन हो क्या तुम, फर्श से कचरा उठाती हो? नहीं। तो छूना भी मत इसे तुम, वैसे भी यहाँ पर बड़े सारे भिखारी पड़े, उठा लेगा कोई। ये बहुत आलीशान है और गर्म भी, इसमें मुझे अब सर्दी नहीं लगेगी। मैं इसे ले रही हूँ, भले ही इवा से। माँ को दिखाना होगा। अबे किसी भी हालत में वो लड़की छूटनी नहीं चाहिए। तू देख रहा है ना? हाँ। उठ जा उठ जा, अबे सो मत, उठ जा। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। देख अमीर लड़की। हाँ किधर, क्या सच में ये वही लड़की है? हाँ ये उसी का फरकोट है। तो चलो उसको पकड़ते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? चुप रहो, तू हमारे साथ चल रही है। छोड़ो मुझे। उस मूर्ख अमीर ने सारे डोनट्स खराब कर दिए। शुक्र है कि कुछ नया काम मिल गया।
हाँ कैसी? हे क्रिस, सॉरी मैं बिजी हूँ। ओह, एक्स्ट्रा पैसों के लिए सिलाई पढ़ने शुरू कर दी। ओह बढ़िया है, तुम छेद ठीक कर सकती हो मेरे लिए। ये फट गया सिलसिला। क्रिस तुम मुझे पैसे दोगे? तुम कंगाल हो। नहीं, हमारी दोस्ती की खातिर प्लीज। क्रिस मुझे टाइम पर ऑर्डर पूरा करना होगा, वरना टीना और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमेशा की तरह दोस्त की मदद नहीं कर सकती तुम। ओह तुम्हारी बच्ची कहाँ है? शायद उसे सिल दे। टीना स्कूल में है, अभी नहीं आई। क्या स्कूल? उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था यार। घर? ओह हाँ सही कह रहे हो, वो कहाँ घूम रही है? शायद टहलने निकल गई हो। टहलने? स्कूल के बाद उसे सीधे घर आकर मेरी मदद करनी थी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नहीं, उसे कह देना कि मेरा छेद भी सिल दे। लगता है उसने सुना ही नहीं यार, सब कुछ मुझे खुद ही करना है। आउच! रहने दो, छेद के साथ ही घूम लूंगा मैं। मिस क्रिस्टी। ओह तो तुम हो, मैं बस निकलने ही वाली थी। क्यों? तुम्हारी लड़की ने पिछली 3 क्लास छोड़ दी है। छोड़ दी? जैसे तुम तो कुछ जानती नहीं हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक्स्ट्रा काम के लिए टीना को स्कूल में मत बुलाओ। लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया, कसम से कह रही हूँ। टीना को स्कूल में होना था, वो गायब कैसे हो गई? लेकिन ऐसा हुआ है और वो गायब है। बच्चों को ये सब करना बहुत पसंद है। टीना नहीं कर सकती, टीना बहुत समझदार है। ओह अच्छा, अपनी बेटी पर थोड़ा नजर रखो। टीना ये कैसे हो गया? ये उसका फेवरेट ब्रेसलेट है, वो इसे कभी भी नहीं उतारती। अरे नहीं, किसी ने उसका ब्रेसलेट छीना और उसे किडनैप कर दिया। तुम लोग हो कौन? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तेरा किडनैप हो गया है बेटा। क्या किडनैप? और हम तुम्हारे सहारे बहुत पैसे कमाएंगे। कौन? मेरी फैमिली कंगाल है। हमसे झूठ मत बोलो। हाँ हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। तेरी वजह से हम लोग माला माल होने वाले हैं। तुमसे कुछ गड़बड़ हुई है। मुंह बंद रख अपना। हाँ चुप रहो, ठीक है? अब चलो थोड़ा चिल करते हैं। तू क्या पिकनिक मना रहा है क्या? बस पैसों का इंतजार कर रहा हूँ, तू भी घर भाई, मजा आ जाएगा। बात को जरा समझ, अबे अपुन ने लड़की का किडनैप किया है। ओ हाँ, कैसे हमने सच में गड़बड़ कर दी। भला हम ये बात भूल कैसे गए यार? मैंने सोच लिया है, अपुन एक फिरौती का लेटर लिखेगा और इसकी माँ को भेजेगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, पर तू चिल्ला के ना मुझे। तेरे लिए अच्छा होगा। कहाँ? अबे तो फिर काम पे लगना। हाँ, और हमें कितना पैसा मांगना चाहिए? 1 मिलियन। चल अब चल यहाँ से। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। अरे कैसा अजीब स्वाद है। नेट। हाँ मिसेस एलिस, नेट आपकी सेवा में हाजिर है। ये क्या है? ये एक गोल्डन पेस्ट्री है। और ये आपकी पसंदीदा पेस्ट्री भी है। इसे करीब से देखो। कुछ दिखा क्या? ये पेस्ट्री काफी सावधानी से डिजाइन की गई है। क्या ये ठीक है? पेस्ट्री में गोल्ड टॉप नोच क्यों नहीं है? हा? इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ मिसेस एलिस, हमारे शेफ के पास सामान ही नहीं था, तो कुछ तो करना ही था ना। ये कोई मजाक है क्या? अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो मैं शहर की सबसे अमीर औरत कैसे बनूंगी? मिसेस एलिस माफी चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शेफ को जरा समझाओ। मैं फिर से माफी चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप कर देंगे। मैं जाके देखता हूँ कुछ। कोई शांत कैसे हो सकता है यार, जब यहाँ चारों ओर स्ट्रेस है। मिसेस एलिस। हे भगवान, अब क्या है? आपका एक मेल आया है। चिट्ठी? क्या कोई और भेज रहा है? देख के तो यही लगता है। दिखाओ जरा। तुम्हारी बेटी हमारे साथ है, उसे साबुत और जिंदा वापस पाने के लिए पुराने गोदाम में 10 लाख रुपए लाओ। क्या? मेरी ईवा का किडनैप? ईवा तो बस अभी स्कूल से आई है मिसेस एलिस। झूठ मत बोलो। हेलो मॉम। हाय।
ईवा बेटा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरी बेटी यहाँ है तो ये क्या है? हो सकता है कि शायद किसी तरह का प्रैंक हो। फाड़ दो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरी बेचारी लड़की, तुम्हें कौन ले गया? क्या किसी ने तुम्हें देखा? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। आपने इसे कहीं देखा? नहीं। जरा सुनिए। तुम्हें क्या चाहिए भिखारी? ये मेरी बेटी है, आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, हटो यहाँ से। वैसे भी ये भिखारी दुकान के आसपास क्यों घूम रहे हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ। सब कुछ यहाँ पर ठीक तो है ना? देखो ये भिखारी। शायद ये चोर है, बच के रहना। नहीं, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मेरी बेटी खो गई है। हाँ हाँ, हमें भी यही लगा था। अब निकलो तुम यहाँ से। नहीं नहीं, लेकिन मुझे अपनी बेटी ढूंढनी है। उसे देखा है क्या? अरे हमने किसी को नहीं देखा, अब तुम जाओ बस यहाँ से। हाँ हाँ, अब निकलो तुम यहाँ से। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं मेरी बच्ची? आखिर ये चीज खुलती क्यों नहीं? जब वो औरत उसकी तस्वीर देखेगी तो उसका चेहरा देखने वाला होगा। जब तक वो हमें पैसे ना दे दे। सही कहा। hey, क्या कर रही है वहाँ पर? भागने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने जो उसे बंद किया है। क्या सच में तूने अच्छे से बांधा था? हाँ यार, वो नहीं छुड़ा सकती अपने आप को, देख। ठीक है तो फिर इस पर नजर रखना। हाँ भाई। मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे जाने दो, मेरी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे चुप रहो, हमने काफी टाइम से तुम पे नजर रखी थी। तुम्हारी मॉम स्कूल में सबसे अमीर है। बिल्कुल नहीं, मैं कंगाल हूँ, मेरे कपड़े देखो। मुझे तो सही लग रहा है। ये तुम्हारा फर कोट, इसकी वजह से। और ये। अरे यार सचमुच कंगाल है ये तो। ये जैकेट तो हमने अमीर लड़की को पहने हुए देखा था, तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ, उसने इसे फेंका और मैंने पहन लिया। ओ भैंस की आंख, अब क्या करें यार। अबे चल फिर चल के अमीर लड़की को किडनैप करते हैं। हाँ। ये ले, तुझे पता है कि तुझे इसके साथ क्या करना है। हाँ, ठीक है ठीक है, पर क्या करना है? ओ, समझ गया। चल फिर चल के बचाते हैं। मॉम, ये हम पैदल क्यों चल रहे हैं यहाँ पर? ताजी हवा हमारे ऑरा को साफ करती है स्वीटी। फिर से आपने बुक वाली जेन की बकवास शुरू कर दी है। हाँ, ये तुम्हारा भी भला कर सकती है। कम ऑन। ओ फिर से नहीं, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे बकवास डोनट्स नहीं चाहिए। मेरी बेटी लापता है। लापता? ओ मॉम, इग्नोर करो इसे, चलो चले। शांत रहो ईवा। ओ व्हाटएवर। कितने टाइम से गायब है? पिछले 3 क्लास से ठीक पहले, स्कूल के ठीक बाहर से गई है। वो रही। पक्का यकीन है ना? दोबारा गरीब को मत उठा लेना। मुझे पूरा यकीन है, तू बस चल। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज। परेशान मत करो। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम्हें अपने गरीब बच्चे पर नजर रखनी चाहिए थी। ईवा चलो चले। अबे गधे, वो आ रहे, जल्दी कर। रुक जाओ, मेरी बेटी वापस दे दो। ईवा, मुझे जाने दो बेवकूफ। अबे हिलना बंद कर, समझी?
अबे कहाँ जा रही है, चल अंदर चल। तुम लोग हो कौन? छोड़ो मुझे। किडनैपर्स। और क्या लगता है तुम्हें? हाँ किडनैपर्स है और तुम भी इन सब में शामिल हो ना? नहीं, उन्होंने मुझे भी उठा लिया है। तुम लोग मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने दो, समझ गए? वरना मैं सिक्योरिटी बुला दूंगी। तेरे को करने दूंगा तब ना। तो भाई ये पक्का पैसे वाली है, इसका फोन चेक कर जल्दी। नहीं, इसकी सिक्योरिटी भी तो है। मेरी माँ को पता चलेगा ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, रोएगी और पैसा अपने को मिलेगा। वैसे एक बात बता, इसका क्या करें, इसको जाने दे क्या? हाँ प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। अबे चूहिया, तेरा दिमाग खराब है क्या? हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, और ये बाहर निकलेगी और पुलिस को सब कुछ जाकर बता देगी, समझ गया? हमारा मकसद तो सिर्फ फिरौती का है, समझा? सही कहा भाई, तू बहुत स्मार्ट है। चल चल के कुछ खाते हैं, ठीक है? लेकिन हम कंगाल हैं। चल बे चल। क्या बोल रहा है, मैंने उसे फेंक दिया। अबे कितना बड़ा गधा है, तेरे को पता भी है वो कितना महंगा था? अबे उसको बेच सकते थे हम। अरे यार गलती हो गई, चल अब चलते हैं। रुको, मुझे यहाँ से जाने दो। हेलो, चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ सोच लेंगे। दूर हटो भिखारी, तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे। मेरा महंगा फोन ले गए, मेरा फर कोट ले गए। ओह नो, नहीं नहीं, हम मुसीबत में हैं। मिसेस एलिस, सब कुछ ठीक तो है ना? ईवा, वो लोग उसे ये लीजिए, ये आपके लिए। एक पेपर। इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये लीजिए। ईवा, वो किडनैप हो गई। अरे नहीं मिस एलिस, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, कहीं इसमें लेटर वाले लोगों का हाथ तो नहीं है? बिल्कुल, वे फिरौती मांग रहे थे, लगता है ये सब प्लान किया हुआ था। वो चिट्ठी यहाँ ले आओ। ये लीजिए। ये क्या है? मगर ये तो वही लेटर है, क्या आपको याद नहीं है? आप ही ने तो टुकड़े करने के लिए बोला था। तुम बेवकूफ हो क्या? अब मैं ईवा को कैसे ढूंढूंगी? आप बस रोना बंद कीजिए, मैं अभी जाके वहाँ पर कोई जुगाड़ देखता हूँ। नहीं, तुरंत पुलिस को बुलाओ, इसे सभी चैनलों पर डालो, हर न्यूज में, हर एक एड में डालो, सबको मेरी लड़की की तलाश करने दो। नहीं। आज की ताज़ा खबर, एक घंटे पहले एलिस की करोड़पति बेटी किडनैप हो गई है। जिस किसी को भी जानकारी हो हमें इस नंबर पर कॉल करके उसके बारे में हमें जरूर बताएं। मेरी बेटी। सारा काम हो चुका है मिसेस एलिस। हेलीकॉप्टर। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। खोलो खोलो दरवाजा। बेकार है ये करना, तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे। तो और क्या करेंगे, यहाँ बैठ के इंतजार करेंगे क्या? चिल्लाने और पीटने से काम नहीं चलेगा। मुझे घर जाना है और खाना खाना है। कुछ खाना है? ये लो। Ew, मैं ये नहीं खाऊंगी। मुझे चाहिए लॉबस्टर। बस यही मिलेगा, इसे खा लो। Ew, दूर हटो। ठीक है, लेकिन इसे तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। Ew, तुम बहुत ही गंदी हो। कम से कम भूखी तो नहीं? इसको खाकर मैं पक्का पछताऊंगी। ये तो वाकई अच्छा है। मैंने बोला था मेरी माँ शहर के बेस्ट डोनट्स बनाती है। और है क्या? नहीं, बस इतना ही था। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। गिर गया। कोई ईवा को ढूंढ क्यों नहीं पाया? मैं दुनिया का सारा पैसा देने को तैयार हूँ। ईवा, ईवा मेरी बेटी, ईवा स्वीटी।
तुम कौन हो? मैं हूँ क्रिस, जानना चाहती है चम्मच चलो। ईवा कहाँ है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं तेरे बच्ची बच्ची को नहीं जानता। ये उसका कोट है। ये तो मुझे कूड़ेदान में मिला है। इसे मुझे दो। भिखारी कहीं का? हाँ, उस भिखारी की बेटी भी किडनैप हुई थी, शायद उससे कुछ जानकारी हो। हे, हाय। तुम्हारी बच्ची मिल गई? नहीं, मेरी भी नहीं। सोच रही थी शायद उन्हीं लोगों ने उसे उठाया है। और कोई हमारे बच्चे ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है तो हम खुद ही टीम बना के काम करें। तुम एंटी गरीब हो, अब तुम मेरे साथ भला टीम बनाओगी? मेरी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं भी। वाओ, तुम तो एक्चुअली काफी कूल निकली। तुमसे बात करो तो बहुत अच्छा है। सोचा होगा कि गरीब लोग बोरिंग और मूर्ख होते हैं। वो हाँ, खैर कोई बात नहीं, वो बेवकूफ बहुत टाइम से यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ। मैं भी ना। अरे ये तो देखो, ये देखो क्या है मेरे पास, एक गोल्डन कार्ड। हाँ, मेरे घर पर सब कुछ अनलॉक कर देता है ये, यहाँ भी करना चाहिए। अजीब है, काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया क्या? मुझे नहीं लगता ये दरवाजा किसी कार्ड से खुलेगा। तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है? हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बहुत दर्द हो रहा है। इधर बीमार है। बचाओ, दरवाजा खोलो। बचाओ, बचाओ। मत से। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं बन रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बीमार है। तो क्या? क्या ये मरने वाली है? अगर ये मर गई ना तो एक रुपया नहीं मिलेगा। ओह, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत दुख रहा है। यहाँ पर? कौन? अब हम इसके साथ क्या करें? क्या हो रहा है इसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं एक मिनट में? अबे मुझे कैसे पता होगा? पढ़ा लिखा मैं डॉक्टर। क्या हो रहा है यार? क्या समझ रहा है तूने? मुझे लिखा दे साले। तू चुप करूंगा ना तेरे को? समझा? सारे मेडिकल की खबर तूने किया और मेरे पीछे पड़ी। अबे तुझे तो अभी फिसूल है। ओए, तुम तो ठीक नहीं थी ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? हाँ होता है ऐसे, कभी कभी दर्द होता है। दर्द हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ और फिर बिल्कुल ठीक हो गया। दिमाग खराब है इसका। चल चल अपन चलते हैं। चल बाय बाय। जीस, तुम बुरी नहीं हो। अब चलते हैं। और अब कहाँ? उस तरफ। ठीक है। भाई किधर? तुम लोग बाहर कैसे निकले? बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है, क्या कर रही हो? सुराग की तलाश। और ये कैसे मदद करेगा? अभी कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे जासूसी शो देखे हैं। देखो वो, देखो हाँ, ये इतना अजीब क्यों भाग रहा है? वो काफी डरा हुआ लग रहा है। या पहचाने जाने से डरता है, कुछ तो गड़बड़ है। पीछा करना होगा, वही हमें टीना और ईवा तक ले जाएगा। कैसे पता चला? माँ का दिल। चलो जल्दी चलो। अरे नहीं, ये बुरा है, हम बुरी तरह फंस चुके हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं। तुम शांति रखो, वो लोग फिरौती की मांग कर रहे हैं। मेरी माँ जरूर पैसा ले आएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं, वे शायद तुम्हें छोड़ देंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी, वो तुम्हें भी छुड़वा देंगे। ओके, शुक्रिया। और कैसे कर सकते हैं? कैसे पता चला? मामा, मेरी स्वीटी। आपने हमें कैसे ढूंढ लिया? हमारे दिल की सुनी। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। लेकिन हमें भागना होगा। चलो चले। क्या हो रहा है यहाँ पे? टायलर इन्हें पकड़ ले अभी। इतनी जल्दी नहीं। ये लो। मिस्टर साइलेंस, आपको बचाने आ रहा हूँ। Yeah!
अब तुम लोग गए समझे? खाना, मुझे बहुत भूख लगी है वैसे। ए, रुक जा, जहर मिलाया होगा इसमें तो। माँ ये क्या है? तुम देखना, ये है मुफ्त सैंडविच, एकदम मुफ्त सैंडविच। मुफ्त का खाना? अबे खाने दे मुझे। अबे तुझे कोई अकल नहीं है? भूख लगी है मुझे। कोई भी कुछ भी देगा खा लेगा। चुप रह, गाली है क्या? खाना पकड़ इसे। तो ये रही आपकी ड्रिंक्स। शुक्रिया नेट। वैसे तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस केसी। क्या हम ये सब खा सकते हैं? बिल्कुल। शानदार। हमें डिनर पर बुलाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा है, तुम नहीं होती तो मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती। और अगर तुम्हारा वो बेघर दोस्त ना होता? ईवा, हमने बात की थी। मेरा मतलब क्रिस। अगर क्रिस नहीं होता तो हम चारों को लॉकअप में बंद कर दिया होता उन्होंने। उसे बुलाया नहीं क्या? बुलाया था, लेकिन वो सैंडविच और कोट मांग के खुशी खुशी कूड़ेदान की ओर चला गया। भगवान का शुक्र है सब अच्छा हो गया, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाने के लिए। कोई बात नहीं है, है ना टीना? अरे बिल्कुल नहीं, इवा और मैं दोस्त भी बन गए। हाँ टीना बहुत अच्छी है। ये कमाल है कि अब मेरी बेटी के पास इतनी अच्छी दोस्त है। दोस्ती के लिए चीयर्स। लड़कियों, तुम वापस आ गई। तुम कैसी हो? किडनैपर्स के साथ डरावना था ये, भयानक था, लेकिन हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हाँ ये बिल्कुल सही, बहुत सही। शहर के सबसे पागल डरावने बदमाश थे वो। अरे नहीं, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही बता दिया मैं बहुत बुरी हूँ और तुम लोग लूजर्स। अरे ईवा तुम साहसी हो। और एक बार तो ना लगभग हम भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रांग निकले और उन्होंने हमें धर दबोचा था। अरे मैं बिल्कुल जानवरों की तरह लड़ी थी, अपनी जान लगा दी थी मैंने, देखना चाहिए था तुम्हें। तुम शानदार लड़की हो। हाँ हाँ, और ये बेचारी लड़की वहाँ पर रोए जा रही थी, इसको तो संभाला हुआ था मैंने। ये क्या मछली बाजार लगा रखा है, बैठो क्लास शुरू हो गई है। पर टीना और ईवा तो अभी वापस आए हैं ना? उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बातचीत को क्लास के बाद करना, चलो बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? सीरियसली हम तो दोस्त हैं ना। मैं भिखारियों के साथ नहीं घूमती हूँ समझी। लेकिन तुम घर पर तो कुछ और बोल रही थी, हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे और सब। हम लोग कैद में साथ रहे थे तो क्या हो गया? तुम्हें वो आधे खाए डोनट के पैसे चाहिए क्या? तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लगा कि हम दोस्त थे। दोस्त तुम्हारे सपनों में, हटो यहाँ से। क्या शानदार सुबह है। ये कैसे कपड़े हैं? ईवा चीख क्यों रही हो? तुमने मुझे किडनैप कर लिया है। ईवा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ है एलिस। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। लो जल्दी। छी, ये क्या पी रही हो? ये चाय नहीं है, ये क्या है? ये बकवास सी पत्ते वाली। ओ माय गॉड, ये मैं क्या पहनी हूँ? ये गरीबों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं मैंने? क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ। ईवा तुम गुस्सा दिला रही हो। बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास और मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगी, समझी? गई तुम। ये बेहतर है, जैसा मुझे चाहिए था। शुक्रिया माँ।
तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगी मैं। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मिसेस एलिस, माफी चाहता हूँ, मैं तो रोक ही नहीं पाया। मम्मी, मम्मी। सॉरी स्वीटी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। माँ, ये मेरी गरीब क्लासमेट है ईवा। गरीब तुम हो समझी, ये मेरी माँ है, मेरी मेरी माँ है। सुनो, अगर तुम भीख मांगने आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन बेटों की कहानियों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सब कोई कहानी नहीं है। आप मेरी माँ हो, और इसकी माँ केसी ने मुझे पकड़ कर मेरे कपड़े बदल दिए और मुझे गरीब बना दिया। हीवा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरी तरफ देखो भी मत, गरीब कहीं की, बहुत हुआ, बस करो। नेट, ओ नहीं नहीं मॉम, ये मैं हूँ मॉम, आप मुझे पहचानती क्यों नहीं हो मॉम? वाह, कमाल लग रही हो तुम। हेलो एवरीवन। हे, तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे क्या? नहीं, हम तुम्हें हाय नहीं बोलना चाहते। हम गरीब लोगों के साथ नहीं रहते। मैं बहुत अमीर हूँ, भूल गए क्या तुम लोग? कल तक तुम लोग मेरे दीवाने थे, मेरे चक्कर काट रहे थे। अमीर हो गई भिखारिन कहीं की। ये इकलौती अमीर टीना है यहाँ पर। उसने मेरी जिंदगी चुरा ली। ईवा, शांत हो जाओ, समझती हूँ कि तुम भी अमीर होना चाहती हो, लेकिन माफ करना, तुम गरीब घर में पैदा हुई हो। बेवकूफ, पागल। हाँ, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। ओ, मुझे भूख लग रही है। वैसे मैं तुम्हारे लिए लंच लाऊं, मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे नहीं, ये ईवा। मिस क्रिस्टी, ईवा ने मेरा बर्गर छीना। वेल, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। ओहो, गरीब गरीब और चोर दोनों ही हो तुम। मिसेस क्रिस्टी, ईवा ने डोनी का बर्गर छीना। क्या ईवा? ये लो। अब क्या मैं झाड़ू लगाऊंगी? हाँ, तुम्हें उस चोरी की यही सजा मिली है। जमादार नहीं हूँ, समझी? मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो तुम ये झाड़ू उठाओगी या मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगी, समझ गई? हाँ। और जब मैं यहाँ पर वापस आऊँ तो मुझे धूल का एक कण भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। हद धोती है, कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल में मैं फर्श साफ कर रही होंगी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? शायद क्या मैं हमेशा से गरीब थी और अमीर होने का मैंने सिर्फ एक सपना देखा था। आज मैं बहुत थक गई। अरे ईवा। हाँ बोलो। आराम क्यों कर रही हो? उठो। अरे मैं थक गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत हुआ, चलो उठो। क्या फायदा है, मुझ में हिम्मत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा काम? तुम भूल गई हो क्या, हमें पैसों के लिए काम करना होगा। सच में हम इतने गरीब हैं? हाँ, हमने लास्ट एप्पल को पॉलिश कर दिया। चलो अब उठो और कोशिश करो। ओ नहीं। चलो बेटी, चलो चले, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी खत्म भी करेंगे। स्कूल में भी झाड़ू लगाए, अब यहाँ भी। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। कर रही हो ना, गरीब होना इतना बुरा क्यों होता है? ईवा, मैं महसूस करती हूँ, हाँ जिंदगी में बहुत उलझन है, लेकिन हे, हम इसमें एक साथ हैं। जल्दी सफाई करो, हमें बोनस मिलेगा, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे लिए फेवरेट पेस्ट्री भी दिलाऊंगी। शुक्रिया। माँ देखो, ईवा अपनी माँ के साथ है। हाय। हाय टीना, ये जंगली लड़की यहाँ क्यों है? ये वही जंगली लड़की है जो हमारे घर में घुस आई थी। ईवा आपके घर में घुस गई थी? ईवा? कोई बड़ी बात नहीं, अब सब ठीक है, आप लोग थक गए होंगे, जिंदा लाश है हम। माँ, क्या इन्हें अपने घर डिनर पर बुलाएं? ये सही रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन काम पड़ा है, हमें तो खाने के लिए पैसे की जरूरत है। हम तुम्हारे
लिए खाना पैक कर देंगे। चलो चले। हाँ 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 चलते हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तुमने हमसे इस बारे में बात की। कपड़े देखो मेरे पास क्या है। क्या है ये? कपड़े देखो, ये बिल्कुल नए हैं। ओह कितना प्यारा, शुक्रिया टीना। शुक्रिया। आंसू क्यों बेटा, क्या चल रहा है? टीना अमीर है और बहुत ही अच्छी है, और मैं एक अलग तरह के इंसान हुआ करती थी। हुआ करती थी? हाँ, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं बहुत अमीर थी, लेकिन बहुत बुरी थी, बहुत सेल्फिश थी, गरीब लोगों का मजाक उड़ाती थी। ईवा, वो एक सपना था। तुम यहाँ हो, देखो भले ही तुम अमीर नहीं हो, फिर भी तुम एक अच्छी इंसान हो। हाँ, गरीब होना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर मैं अमीर होती ना, तो हमेशा गरीबों की मदद करती, उनका मजाक कभी नहीं उड़ाती मैं, कभी नहीं। आ, मेरी बच्ची। फिर से शुक्रिया टीना। लगता है कि काफी हो गया। तुम्हें लगता है? तुम लोग क्या बोल रहे हो? ईवा, सच ये है कि तुम सच में अमीर हो, और तुम्हारी माँ मैं नहीं, एलिस है। तो इसका मतलब ये सपना नहीं था? नहीं, हमने तुम्हें सच्चाई दिखाने का सोचा। तुमने टीना के साथ बुरा बर्ताव किया था। टीना सचमुच बहुत निराश थी। हमने एलिस से बात की और सोचा तुम्हें दिखाना अच्छा होगा कि गरीबी में रहना कैसा होता है। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? सच कहूँ तो नहीं। तुम्हारे प्लान से मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बुरी इंसान थी। तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए जिंदगी बहुत टफ है, और मैं तुम्हें बिना बात के तंग करती थी इतना ज्यादा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा है तुम दयालु हो रहे हो। और बाय द वे, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाओगे। अब तुमने काम की बात की है। आप लोग मिलकर खोल लो एक बेकरी। ओ, मिसेस केसी बहुत अच्छी बेकिंग करती है। टेस्टी। देखो ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग हेल्प कर देंगे, है ना माँ? मैं इसके लिए एक महीने तक कोई भी नया कपड़ा नहीं लूंगी। हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ग्रुप हग होगा। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। हाथ हटाओ। बहुत हो गया। अबे क्या चाबी रखा था तूने? अबे ऐसे जूते में अटकाएगा तो कोई भी ले लेगा। अबे यार कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। काश मैं भी उससे दोस्ती कर पाती। हाँ, हमने लास्ट एप्पल को पॉलिश कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। उसकी तबीयत खराब हो रही है। अबे ऐसे नहीं करती है साले तू। डॉक्टर है क्या तू? ये इस तरह सीन करते करते कहीं सही।